हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि आज एक बहुत लैंडमार्क दिन है और वो ही है आज का दिन। आज का दिन वो था जहां पे हमारा बेबी जो राघिब है वो एक्चुअली स्कूल में गया। पहला दिन था जिसके स्कूल का मॉर्निंग का। अभी जो हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए जा रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी जो हम जा रहे हैं तो हम ये जो राघिब है अभी साढ़े तीन घंटा स्कूल में था और अभी हम उसको रिसीव करने जा रहे हैं। अल्गुना इंटरनेशनल स्कूल है ये दमाम में, जो मैं टाइटल में डाल दूंगा राघिब का पहला दिन अल्गुना इंटरनेशनल स्कूल लोअर केजी में डिवीजन सी। अभी मैं जा रहा हूँ, आपको विजुअल्स दिखा दूंगा वहां पे और हम शेयर करेंगे आप लोगों के सब लोगों के साथ कि किस तरीके से बेबी बाहर आ रहा है। जाते वक्त तो मैं चाह रहा था वो विजुअल ले लूं, लेकिन वो बेबी इतना कुछ रोया नहीं, मेरा राघिब इतना कुछ रोया नहीं, कुछ ऐसा था नहीं। और इमीडिएटली जो स्कूल के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसको ले लिया अंदर अपने साथ फटाफट, तो इसी के लिए मुझे कुछ करने नहीं मिला। तो अब हम क्या करेंगे कि अल्मुना इंटरनेशनल स्कूल दमाम यहाँ पे हम जाएंगे, जो एक्चुअली दो है अल्मुना इंटरनेशनल स्कूल के, दो डिविजन है, दो ब्रांचेस है। अदामा में 18 नंबर सीट पर उनकी बिल्डिंग है जहां पे क्लास 1 से लेके क्लास 10 से क्लास 12 बेसिकली तक वो लोग पढ़ाते हैं, उनकी एजुकेशन होती है। और सेंट्रल हॉस्पिटल दमाम जो है यहाँ पे मुस्तशफा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सेंट्रल हॉस्पिटल, और वहां पे उनकी जो बिल्डिंग है वहां पे वो लोग सिर्फ लोअर गिंडा गार्डन और अपर गिंडा गार्डन इसी सीबीएसई जो सेक्शन का जो है, जहां पे मतलब ये जो एफिलिएटेड है सीबीएसई को है, तो उसी के जो दो छोटे से हैं वो वहां रखते हैं हम लोग उस बिल्डिंग में, और वहीं पे राघिब जा रहा है अभी। आज उसका पहला दिन था, ये बहुत लैंडमार्क दिन है हमारे लिए और अभी हम उसको रिसीव करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से वो बाहर आता है और मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देख लेते हैं कि क्या रोते हुए आ रहा है, हंसते हुए आ रहा है, कैसे मूड है उसका। यार अब तो मुझे इंशाल्लाह होपफुल है कि वो हंसते हुए ही बाहर आएगा। चलो देख लेते हैं, कीप वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, ये है अल्मुना इंटरनेशनल स्कूल दमाम। ओके, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये है अल्मुना इंटरनेशनल स्कूल दमाम। अब ये जो है ना, ये गर्ल्स सेक्शन है, डीएस गर्ल्स सेक्शन है और यहाँ से राघिब बाहर आएगा। ये गर्ल्स सेक्शन है। ओके, यहाँ पर गर्ल्स सेक्शन है पूरा का पूरा, और जो बॉयज सेक्शन है वो उस तरफ है 18 स्ट्रीट में। लेकिन यहाँ पर लोअर केजी और अपर केजी के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो 3 किलोमीटर दूर बिल्डिंग है वहां पर सिर्फ बॉयज सेक्शन है और यहाँ से हमारा राघिब बाहर आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। कीप वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, अब देखें ये ना 12:30 हो चुका है और ये क्लास खुल गई है, गेट खुल गया है। अब सब पेरेंट्स आ रहे हैं और इनके बच्चों का पहला दिन है, तो सब लोग एकदम एक्साइटेड है और बहुत खुश है उनके बच्चे को लेने के लिए। अब हमारे जो बेबी है राघिब, तो उसकी तो मम्मी चली गई है अंदर उसको लेने के लिए। देखते हैं वो उसको लेकर आ रही है मम्मी को, उसके देखते रहते हैं कैसे होता है। वो लेके आ जाएगी उसकी मम्मी को, सॉरी राघिब को, उसकी मम्मी। तो बच्चे आने लग गए हैं दोस्तों, देखेंगे अभी। पेरेंट्स क्यूरियस हैं लेने के लिए अपने बच्चों को। अभी ये जो आए हैं ये सिर्फ फादर्स आए हैं दोस्तों, मतलब सिर्फ उनके पेरेंट्स में से फादर आए हैं। तो बिकॉज ये गर्ल्स स्कूल है तो वो लोग बस लेडीज उनकी अम्मियों को अंदर जाने देते हैं, इसीलिए राघिब की मम्मी अंदर जा चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और ये देखें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड सब लोगों को दूर कर रहा है ताकि यहाँ पे लाइन बन जाए, मतलब जगह बन जाए बच्चों को आने के लिए। अब कुछ हलचल हो रही है, बच्चे आने लग गए हैं। देख लेते हैं, अभी तक हमारा राघिब नहीं आया है। अभी 10 मिनट हो चुके हैं 12:30 से लेके 12:35 हो चुके हैं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मैन मैनेजमेंट कर रहा है लेकिन अभी तक राघिब नहीं आया है। देख लेते हैं राघिब आ रहा है क्या। अभी तक भी राघिब नहीं आया है, लेकिन माएं अपने बच्चों को लेकर आ रही हैं बाहर एक एक करके। और राघिब अब आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह राघिब आ चुका है। ये देखिए राघिब आ गया है, राघिब आ गया है, देखिए। क्या हुआ? पूरा दिन भर वहाँ पे स्कूल है अपना, स्कूल है। फोटो लगाना पड़ेगा राघिब बैच को।
ये देखो राघव, ये देखो, ये देखो राघव आ गया है स्कूल से। राघव खुश था ना बाबू? इधर देख, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो फ्रेंड्स आखिर राघव आ चुका है और लग रहा है कि वो मतलब मुझे लगा था कि अच्छे से ऐसे खुश टाइप रहेगा, तो नहीं था, रो रहा है। स्कूल में तो टीचर ने कुछ कहा नहीं कि किस तरीके से वो क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, बस आ गया है बाहर। लग रहा है कि वो ऐसे मायूसी था, दिन भर अकेले था तो। और उसका टिफिन भी हमने देखा, तो टिफिन भी खाया है, थोड़ा सा खाया हुआ है टिफिन। कौन खिला है टिफिन? कौन खिलाया? खुद से खाया है। और ये देखिए आज माशाल्लाह टीचर लोगों ने वेलकम टू राघव किया है, हैप्पी, और स्कूल में हैप्पी फर्स्ट डे टू स्कूल किया है, कितना अच्छे से कर दिया देखिए, और वेलकम राघव कर दिया है, वेलकम राघव टू LKG अलमुना इंटरनेशनल स्कूल। तो होपफुली कल से, दो तीन दिन से कह रहे हैं सब स्कूल मैनेजमेंट की थोड़े दिन के बाद वो अच्छे से हो जाएगा, और होपफुली जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वो अच्छे होते जाएगा और अच्छे से होते जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर्स ऑल, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आगे जो भी होता होगा कभी कुछ आगे एक्सपीरियंस आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।